So guys, आज हमारे सामने है अपनी Kodiaq Mini, यानी 2024 Skoda Kushaq updated model, one of the most loved compact SUV and one of the most safest compact SUV अपने सेगमेंट की, यानी आप ये जो देख रहे हो ना, इंडिया सेफेस्ट फैमिली कार, ये ब्रांडिंग कहीं पे भी कमी नहीं होनी चाहिए भाई। देखो ये जो गाड़ी है नहीं, आपको अल्टीमेट रोड प्रेजेंस के साथ आती है, ड्राइविंग डायनामिक्स आपको अच्छा देखने को मिलता है, सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती है। पहले सबके बारे में बात करने वाले इन डिटेल, बाकी अकोया स्कोडा की सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको स्कोडा की कोई भी गाड़ी लेनी है तो भाई आज अकोया स्कोडा फॉर द बेस्ट ऑफर एंड बेस्ट सपोर्ट। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड से। तो भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि अल्टीमेट ढाकर लुक है। एंड भाई इस एंगल से देखने पे ऐसा नहीं लगता है भाई गाड़ी आपको सामने से घूर रही है भाई। इस टाइप का आपको जो रोड प्रेजेंस है ना, अपनी कोई गाड़ी नहीं दे सकती, स्कोडा की कुशाक ही दे सकती है। प्रॉपर जो स्कोडा की Kodiaq आती है ना, एकदम आपको उसका छोटा भाई यहाँ पे कुशाक देखने को मिलता है। ओवरऑल आप इसके लुक्स को देखो, आपको ऐसे कुछ मिलता जुलता जो लुक्स है थोड़ी वाइडर साइड पे वो आपको स्कोडा Kodiaq में देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको जो LED हेडलाइट्स वो देखने को मिल जाता है, फॉग लाइट देखने को मिल जाती है। अब देखो ये एक चीज मुझे अच्छा लगता है कि भाई देखो हेडलाइट अपने जाएगा, फॉग लाइट का थोड़ा प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज कर दिया हैलोजन फॉग लाइट से। अब देखो आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही है ना भाई, उसमें आपको हेडलाइट ऊपर या DRL जो अपनी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, बाकी बम्पर भी अपनी हेडलाइट है। फॉग लाइट का कोई तो भाई जमाने ही हट गया उस टाइप की बात है, बट मेरे हिसाब से भाई ये लुक मुझे ज्यादा अच्छी लगती है जिसमें हेडलाइट अपने जगह है, बाकी फॉग लाइट का थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज कर दो या फॉग लाइट ऊपर नीचे कर दो तो वो गाड़ी की लुक आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल के आती है। देखो मुझे उस डिजाइन से भी दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत कहाँ पे आती है ना कि अब छोटे छोटे गाड़ियों में भी ना सेम कॉन्सेप्ट आ गया है, तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी आप लोग को कैसा लगता है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड भाई एक और चीज़ की भाई SUV के नाम पे ना लोग आज कुछ भी बोलते हैं भाई, भाई मारुति एक्सप्रेसो को लोग SUV बोलते हैं, भाई वो SUV नहीं है मेरे भाई, अपनी SUV ये है स्कोडा की कुशाक जो कॉम्पैक्ट SUV में आती है। बाकी अगर फुल साइज SUV में जाना है तो भाई स्कोडा की कुशाक ले लो, मतलब Kodiaq ले लो, या फिर और भी कोई जो गाड़ी आती है फुल साइज SUV में वो आप ले लो, जैसे XUV700 आती है, स्कॉर्पियो N आती है, वो टाइप की गाड़ी आप ले लो। लेकिन नहीं, लोग क्या करेंगे छोटी गाड़ी को ले लेंगे और भाई बोलेंगे कि भाई देखो मेरे पास SUV नहीं, भाई SUV के नाम पे उसको ये मत करो, बदनाम नहीं करो गाड़ी को, तो वो एक बात है। टिपिकल जो अपना स्कोडा का जो ग्रिल है वो देखने मिलता है टाइगर नोज ग्रिल के साथ। एंड भाई मेरे हिसाब से ना ये लुक मुझे बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट दिखने निकल के आती, भाई देखो भाई इस एंगल से एकदम नहीं लग रहा है ये Kodiaq करी है छोटे फॉर्म में, तो वो चीज़ है। बाकी आपको बम्पर स्किड प्लेट वगैरह आपको सब कुछ मिल जाती है, मतलब बम्पर जो लिप आती है वो सारी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके गाड़ी के इंजन के बारे में। सो भाई ये आप देख सकते हो, ये अपनी 3-सिलेंडर 1 लीटर की जो अपनी इंजन आती है वो, इसके अलावा आप इसमें एक 1.5 लीटर का टर्बो इंजन भी देखने को मिलता है, जो कि भाई अल्टीमेट पावर वहाँ पे निकाल के देता है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं इंजन को भी लेकर। रिफाइनमेंट वगैरह आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, तो उसमें भी यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये अपनी रेड कलर आप देख रहे हो, इसके साथ मिलता जुलता आपको एक और इसमें आपको वेरियंट आता है Kushaq का, अपना जो मोंटे कार्लो एडिशन है वो भी अल्टीमेट लुक के साथ आती है भाई। अल्टीमेट कलर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लैक इंसर्ट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, इंटीरियर पे आपको रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं। बाकी साइड से यहाँ पे आप अलॉय व्हील्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 205/55R17 inches का जो आपको अलॉय व्हील है वो आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स एंड फ्रंट में आपको डिस्प्ले मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में आपको यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है भाई। देखो ब्रांडिंग में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए या फिर शोबाजी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इंडिया सेफेस्ट फैमिली कार अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है स्कोडा Kushaq, और ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर से लिखा गया, एकदम शान वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे कुछ इस टाइप का कुछ रूफ रेल वगैरह सब कुछ मिलता है भाई। डिजाइन लैंग्वेज में ना मुझे कहीं से भी कोई भी कमी नहीं लगती अपनी स्कोडा Kushaq में। बाकी आपको कैसी लगती है स्कोडा Kushaq कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग जरूर बताना। और भाई देखो वही बोलते हैं ना कि ये जो क्लैडिंग वगैरह भी आप देख पा रहे होगे, जो आगे से लेके पूरा पीछे तक जा रही है, ऐसा एकदम नहीं लग रहा है कि थोड़ी बड़ी है छोटी छोटी, एकदम जो एकदम प्रॉपर जो साइज है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉपर अच्छे से R&D करके रिसर्च करके प्रॉपर डिजाइन अच्छी खासी जो डिजाइन है उसके साथ यहाँ पे निकाला गया है। बाकी यहाँ पे आपको फेंडर पे कोई भी जो इंडिकेटर्स है वो नहीं मिल जाती, यहाँ पे आपको जो ORVM है उस पर इंडिकेटर मिलती है। हाँ मुझे एक और चीज़ का अच्छा लगता है ना कि जो बेस मॉडल उसमें आपको फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलती है। बाकी सारी गाड़ियों में क्या होता है कि जो बेस मॉडल उसका आपको फेंडर पे इंडिकेटर दे देते हैं, और जो टॉप एंड मॉडल होती है जो टॉप मॉडल्स होती है उसमें आपको ORVM पे दे देते हैं, तो वो चीज़ ठीक है मतलब, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पे आपको स्कोडा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाती है। ये तो और भाई कोई भी कमी नहीं होने वाली अब की आपको गाड़ी के डिज़ाइन में। हालांकि आप जब साइड से आओगे तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ी सी छोटी लगती है, बट ओवरऑल कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ओवरऑल जो साइज शेप है, जो क्लैडिंग वगैरह है, जो ओवरऑल जो मतलब जो लाइनिंग है विंडो लाइनिंग वगैरह सब कुछ ऐसा लगता है एकदम बहुत ऐसे सोच समझ के बनाया गया। एंड दैट इज़ वाई आई लव जर्मन कार्स। एंड भाई वो चीज़ यहाँ पे मानने वाली बात है। बाकी चलिए चलते हैं गाड़ी के रियर साइड से, एंड रियर से फिर बातें करते हैं। तो भाई देखो रियर से कुछ इस टाइप की आपको लुक देखने को मिलती है। एंड मैं आपको अगर इस एंगल से दिखाऊं भाई, देखो रियर की भी लुक बहुत ही अल्टीमेट यहाँ पे निकल के आती है स्कोडा Kushaq, आपको यहाँ पे लिखा गया है। पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब एक चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे आपको कोई भी जो 360 डिग्री कैमरा वो नहीं मिलता है, नेक्स्ट अपडेट में हमें वो एक्सपेक्टेड है मिलने वाली। अब यहाँ पे आपको मिल जाती है 385 लीटर की बूट स्पेस। एंड यहाँ पे आपको जो सबसे अल्टीमेट चीज़ है वो आप दिखाता हूँ।
अम्ब्रेला होल्डर एंड जस्ट आपकी किसी अम्ब्रेला अगर भींगी हुई है तो यहाँ पे आपको ड्रेनेज वाला भी सिस्टम दिया गया, तो कोई भी कमी वाली बात नहीं है। बाकी डिसेंट साइज की जो आपकी जो बूट स्पेस है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो हैंडल है वो अगेन यूनिक स्टाइल का है, तो वो चीज़ें बाकी पार्किंग कैमरा वगैरह सब कुछ आपको रिवर्स बीइंग कैमरा वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब अंदर जाने के पहले बात करते हैं इसके डोर के बारे में। तो भाई देखो डोर अगेन जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली बात है ना वो इसके डोर से आपको पता चलता है। भाई बहुत ही ज़्यादा हैवी डोर है, विंडो एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, विंडो एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सॉफ्टनेस देखने को मिल जाती है, हार्ड प्लास्टिक एंड एवरी जगह हार्ड प्लास्टिक, बट प्लास्टिक की भी जो क्वालिटी वो बहुत ऐसे प्रीमियम साइड पे, तो आपको एकदम ऐसे ही लगेगा जैसे आप टच करोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा भाई बहुत ऐसे थोड़ा लो क्वालिटी का प्लास्टिक है, तो वैसा कुछ आपको फीलिंग यहाँ पे नहीं आने वाला है। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर में। एंड भाई देखो अंदर आने के बाद मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि गाड़ी की ओवरऑल जो सीटिंग कंफर्ट है वो आपको बहुत अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ नहीं, आपको सीट्स की बहुत अच्छी देखने को मिलती है। आप अगर ये नी रूम आप देख पा रहे हो, नी रूम भी आपको काफ़ी अच्छी है एंड आगे की जो सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट करिए, बट उसके बाद भी जो नी रूम वगैरह वो बहुत अमेजिंग देखने को मिलती है। हेडरूम भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, मेरी हाइट है 5'10" जस्ट फॉर योर रेफरेंस, उस हिसाब से हेडरूम भी अच्छी देखने को मिलती है। बट हल्का सा छोटा सा मुझे यहाँ पे क्या लगा ना कि अगर इसकी ये बैक जो रिक्लाइनिंग जो एंगल अगर थोड़ा सा टिल्टेड होती तो और ज़्यादा कंफर्ट निकल के आती, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी कमी नहीं है इसके रियर सीट कंफर्ट में, तो वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे आपको रियर कन्वीनियंस के लिए एसी वेंट, यूएसबी चार्जिंग है, सब कुछ आपको मिल जाता है, छोटा सा हम पाइप यहाँ पे आपको मिलता है। एंड कुछ ऐसा दिखता है आपको इसका जो डैशबोर्ड है वो, चलिए आगे से बातें कर लेते हैं। भाई देखो जर्मन कार्स की जो एक लवर्स है ना वो भाई समझ सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, भाई स्कोडा कुशाक को मैं इतना प्यार क्यों करता हूँ या फिर स्कोडा कुशाक के बारे में मैं इतना तारीफ क्यों कर रहा हूँ। जो लोग स्कोडा कुशाक चलाए हैं, जो लोग ओन करते हैं स्कोडा कुशाक, उन्हें पता है भाई कुशाक कितनी अल्टीमेट गाड़ी है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी देखो जिस प्राइस पर ये गाड़ी आती है उस प्राइस पर ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ नहीं आती, गाड़ियाँ बहुत अच्छी खासी गाड़ी आपको मिल जाती है, बट ओवरऑल जो कुशाक आपको ऑफर करती है ड्राइविंग डायनेमिक्स को लेकर आप देख लो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आप देख लो, भाई मुझे अच्छी लगती है इसको। बाकी यहाँ पे ड्राइवर डोर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको और भी कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल जो अपनी ड्राइवर सीट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर में। अब सबसे पहले भाई हम गाड़ी को कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट। भाई बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो गाड़ी को स्टार्ट कर लिया जाए, सीट पूरा पीछे कर लिया जाए, कुछ इस टाइप का आपको जो लुक है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड ये जो अपनी डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड की भी जो डिज़ाइन है वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बहुत आउटडेटेड है या कोई थोड़ी और अच्छी हो जाती, तो वैसा है पुट टुगेदर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पुट टुगेदर करा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्कोडा का जो इंग्रेव्ड टाइप का आपको मिलता है बैच वो यहाँ पे आपको है। बाकी ये आप पैटर्न्स देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा अल्टीमेट लग रही है। ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक है वो आपको मिल जाती है, हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, बट ओवरऑल जो फिनिश है, जो ओवरऑल जो एक फील है टच करने का, वो आपको अल्टीमेट यहाँ पे मिलता है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें भाई, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड बेस्ट लुकिंग स्टेयरिंग व्हील है अपने पास यहाँ पे स्कोडा कुशाक में या फिर जो अपनी स्कोडा की स्लाविया आती है उसमें, तो यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत अल्टीमेट देखने को मिल जाती है। आप इसकी ये रोटरी जो ये जो अपनी होती है ना टॉप्स वो आप देख सकते हो भाई काफ़ी अल्टीमेट है। यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स, वाइपर के कंट्रोल्स एंड प्रॉपर जो हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का जो स्विच है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट जो कंसोल है यहाँ पे आपको अल्टीमेट जो चीज़ें हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली, तो कोई भी दिक्कत वाली जो बातें हैं वो यहाँ पे आपको नहीं है। बाकी आते सेंटर कंसोल पे, सेंटर कंसोल पे यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना जो टच स्क्रीन है वो, ओवरऑल जो टच रिस्पॉन्स है वो भी आपको अच्छा है यहाँ पे देखने को मिलता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको इसका जो रिवर्स कैमरा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो भाई देखो कुछ इस टाइप का आपको जो रिवर्स कैमरा वो यहाँ पे आपको मिलता है एंड यहाँ पे आपको कोई भी अडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, हालांकि वो नेक्स्ट अपडेट पे आने के चांसेस है। वायरलेस चार्जिंग वाला पैड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल दोनों ही मिलता है, अपनी मैनुअल वाली है 6 स्पीड मैनुअल, इसके साथ साथ आपको एक DSG भी आपको मिलती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको हैंड डिस्प्ले का सब, ग्लव बॉक्स की भी जो साइज वगैरह वो आपको अल्टीमेट है, यहाँ पे आपको देख सकते हो भाई बड़ी सी आपको जो सनरूफ है वो मिल जाती है, वो सारी चीज़ें कोई भी कमी वाली बात नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी ड्राइवर सीट के कंफर्ट के बारे में, तो भाई देखो कंफर्ट वाइज यहाँ पे आपको कोई भी कमी नहीं है, काफ़ी अच्छे से आपको ये सीट जो है आपको होल्ड करके रखेगी। अगर आप बहुत अग्रेसिवली भी गाड़ी को चला रहे हो, एकदम अराउंड द कॉर्नर सा बहुत अग्रेसिवली जा रहे हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको होल्ड करके रखेगी। अंदर थाई सपोर्ट वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे अल्टीमेट देखने को मिलता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बैक रेस्ट आपको बहुत, मतलब जो बैक सपोर्ट है वो आपको बहुत कंफर्टेबल है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी प्रॉपर यहाँ पे जो आपको बकेट फिटिंग वाला जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको लगाया गया है, तो भाई कंफर्ट के मामले में यहाँ पे आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली है। तो भाई बस आप गाड़ी लो, बैठो और निकल जाओ भाई लॉन्ग राइड के लिए, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। बाकी अगर यहाँ पे हम बात करें ना ओवरऑल मतलब व्यूइंग एंगल की, तो आपको व्यूइंग एंगल में कोई भी कमी नहीं है, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा जो आपको रोड का जो एक ओवरव्यू आपको अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा, आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपनी गाड़ी को जज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो प्रॉपर ये वाली पार्ट आपको हल्की सी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर सकती है जब आप इस गाड़ी को टर्न करोगे, तो हालांकि वो भी कुछ ज़्यादा ऐसे नेग्लिजिबल वहाँ पे चीज़ है, वो सारी बातें।
बाकी यहाँ पे आपको कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। सो गाइस अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको स्कोडा कोशाक लेना चाहिए या फिर नहीं। तो भाई देखो, अगर आप मुझसे वन वर्ड आंसर पूछोगे तो यस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। अब मैं आपको यहाँ पे रीजन बताता हूँ। रीजन ये है स्कोडा कोशाक लेने का कि यहाँ पे आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको अच्छी देखने को मिलती है। दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पे, आपको कोई भी डीजल इंजन नहीं देखने को मिलता है, बट उसके अलावा आपको यहाँ पे दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1 लीटर का जो टर्बो इंजन है वो। तो यहाँ पे आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ट्रांसमिशन आपको अच्छी देखने को मिलती है, डीएसडी गियर बॉक्स है भाई। अल्टीमेट जो ऑटोमेटिक के मामले में अगर आप देखोगे तो मुझे वोक्सवैगन ग्रुप का, वीडब्ल्यू ग्रुप के जितनी भी सारी गाड़ियाँ आती है उनकी ऑटोमेटिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडब्ल्यू ग्रुप की स्पेशली आपको जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो कैसी लगती है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्कोडा कोशाक की, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसका जो इंजन है या फिर जो ट्रांसमिशन है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मेल खाता है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैच करता है। आपको कहीं पे भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई गाड़ी थोड़ा अंडर पावर है या फिर ऐसी चीज़ है। ड्राइविंग करने में आपको गाड़ी को बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। फैमिली की सेफ्टी का आप देख रहे हो, अपनी खुद की भी सेफ्टी देख रहे हो, तो 5-star सेफ्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल रोड प्रेजेंस आपको गाड़ी का अच्छा है, लुक्स वाइज हो गया, डिजाइन वाइज हो गया, रोड प्रेजेंस वाइज हो गया या फिर ओवरऑल ड्राइविंग हो गया, सब कुछ आपको अल्टीमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। बाकी आई होप आपको इस वाले वीडियो की मदद से आइडिया लग गया होगा कि आपको स्कोडा कोशाक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। नियरेस्ट डीलर के पास जाओ, आप स्कोडा कोशाक को ट्राई करो, बताओ कि कैसी आपको गाड़ी लगी। एंड भाई देखो, चैनल पे कोई सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई तो प्लीज कर दो, क्योंकि मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाते रहता हूँ, इस टाइप की वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस, वहाँ पे डेली अपडेट्स, डेली रील्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज अचर वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।